जिंदगी में खुश कौन नहीं रहना चाहता, खासकर अपनी शादीशुदा जिंदगी में। फिर ऐसा क्या और क्यों हो जाता है कि एक साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले लोग, एक साथ जीने मरने के बड़े बड़े वादे करने वाले केस में लोग एक दूसरे के इस हद तक दुश्मन हो जाते हैं कि जान से मार देते हैं यार। ये खुमार 2 महीने और 2 साल में ऐसे कैसे उतर जाता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं ऐसे ही टूटते रिश्तों पे जिनका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अभी अभी हाल में आपने रोहित शेखर और अपूर्वा शुक्ला वाला केस सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। रोहित शेखर जो एक जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी एक रिनाउंड मिनिस्टर के बेटे होने के लिए, उन्होंने अपने डीएनए को साबित करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और वो जीत भी गए थे और उस मिनिस्टर के वो बेटे भी कहलाए थे। अच्छा खासा यंग लड़का, पढ़ा लिखा लड़का। उन्होंने शादी करी, अपूर्वा उनकी वाइफ थी। आपने अपनी लाइफ और अपनी पहचान के लिए इतना स्ट्रगल किया, फिर शादी करी, शादी में धोखा किया और उस धोखे का अंजाम ये था कि उनका मर्डर उन्हीं की वाइफ ने कर दिया। ये था पूरा केस। अगर आप इसको गूगल करें तो ये आपको मिल जाएगा। रोहित शेखर एक्स सीएम एनडी तिवारी के बेटे थे। क्या कारण है कि रिश्तों में जहर फैलने में जरा भी टाइम नहीं लगता? पहला, जिम्मेदारी से भागना। अगर आप खुद को जिम्मेदार नहीं समझ पा रहे हो तो अभी आप शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हुए। आप लड़के हो या लड़की, ये दोनों, आप दोनों पे ये बात लागू होती है। तो दूसरा, एक दूसरे पे ना एक्सट्रीम लेवल का की अपेक्षाएं पाल लेना, एक दूसरे से एक्सट्रीम लेवल का उम्मीद पाल बैठना। क्यों भाई, आप एक दूसरे के कंपेनियन हो, ना कि आप बोझ हो जो एक दूसरे के गले पे लटक जाओगे जिंदगी भर के लिए। ये लोगों को क्लियर क्यों नहीं होता है, मेरी समझ में नहीं आता ये। मैं कई बार ऐसे न्यूज़ देखती हूँ या न्यूज़ सामने आ जाती है जिनमें इस रिश्ते का अंजाम बहुत ही बुरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप सब ना एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस को या किसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी को हंस देते हो कि अरे ये इन लोगों का काम तो यही है, आज अलग होना कल मिलना। यार वो अगर नहीं बन पा रहा है तो ग्रेसफुली वो अलग हो रहे हैं, एक दूसरे को जान से ख़त्म नहीं कर दे रहे हैं। हो सकता है उस इंसान पे उसकी मदर की डिपेंडेंसी हो, उसके बच्चों की डिपेंडेंसी हो, या उसके पास ऐसे कई सारे डिपेंड्स लोग हों जो उस आदमी की अर्निंग और उस आदमी के संरक्षण के लिए डिपेंड हो। आप उसको जान से मार दे रहे हो, आपकी नहीं बन पा रही है तो आप ग्रेसफुली अलग हो सकते थे, जान से मारने की ज़रूरत नहीं थी। उसका रिजल्ट क्या है? आज आप जेल में, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली नाराज़गी, यार है नाराज़गी वाली बात। अगर आप अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ लेते हो या आप ये बिल्कुल आपकी नज़र के सामने ये बात आ जाती है कि वो तो बिल्कुल सरेआम मुझसे चीट कर रहा है, तो ये सह लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ इस बात से, लेकिन जान से मार देना, आपको लगता है आप कानून से बच जाओगे? और अगर आपने इतना कॉन्फिडेंटली ये स्टेप उठाया तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे थे? एंड ऑफ द डे आप पकड़े गए और आप आज जेल में हो। आपका उम्र, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे। आप अगर ग्रेसफुली सेपरेट होते, उस हादसे को भूलने में टाइम लगता, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, उस हादसे को भूल सकते थे, उस इंसान को भूल सकते थे। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मतलब लोग इस हद तक फेडअप हो जाते हैं कि आप में इतनी ताकत और इतना मतलब क्रिमिनल माइंड कहाँ से, आम आदमी के दिमाग में इतना क्रिमिनल माइंड
कहाँ से आ जाता है कि उसने पूरी प्लानिंग की, फिर उसको उसने मारा, फिर झूठ का रायता फैलाया और वो आज तो जेल में ही है। खैर, कानून से कोई नहीं बच सकता। मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक छोटी सी बात है कि आप दो अलग अलग लोग हो, अलग अलग सोच के लोग हों। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर आपकी बने, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे जो उम्मीद कर रही हूँ आप वो पूरी कर पाओ, या आप जो आपसे उम्मीद कर रही हो आप वो पूरी कर पाओ। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो तो गुड एंड वेल है, और अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो ग्रेसफुली आपको सेपरेट हो जाना चाहिए। किसी भी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस मेरे हिसाब से सही नहीं है, और मेरे हिसाब से इस रिश्ते को बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग और ईमानदारी की ज़रूरत होती है। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग और ईमानदारी नहीं है तो आप इस रिश्ते के लायक नहीं हो, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, आपके पार्टनर की अपब्रिंगिंग अलग हुई है। बस जोश जोश में और ब्यूटी में या पैसे में या जो भी है, इन सब बातों में आके किसी भी रिश्ते को शादी का नाम दे देना और उसको इतने बुरी तरीके से, इतने भयानक तरीके से एंड कर देना बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि इससे जो इफ़ेक्ट हुआ उसकी फैमिली भी मुंह छुपाते घूम रही है, और आपने जो किया, जो जिस भी बंदे ने कदम उठाया उसकी फैमिली तो खैर ज़िंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही सोच समझ और धीर गंभीर मुद्दा होता है ये। अगर आपकी बनती है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए, थोड़ा सा त्याग एक दूसरे के लिए, बहुत सारा प्यार एक दूसरे के लिए, और बहुत सारी ईमानदारी एक दूसरे के लिए, तब तो आपकी मैरिज सक्सेस हो पाएगी। और अगर नहीं है तो ग्रेसफुली सेपरेट हो जाना ठीक है। रोहित शेखर और अपूर्वा के केस ने पूरे देश के साथ साथ हर एक सिटीजन को हिलाया है, क्योंकि रोहित शेखर अपने आप में एक न्यूज़ थे जब वो अपने आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे थे। आखिरकार आज वो इस दुनिया में नहीं है, और उनकी माँ है जो उन पर डिपेंड थी, शायद अकेली हैं। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। तुम ग्रेसफुली अलग भी हो सकते थे, ऐसा भी क्या था? मतलब कहीं ना कहीं तुमको लालच था, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का तुमको लालच रहा होगा, तभी तुम उसको छोड़ भी नहीं रहे थे। छोड़ देना था, ग्रेसफुली अलग हो जाना था। आप अपने उसको भूल जाते, अगर इतनी नफ़रत थी तो भूल जाते, इतनी नफ़रत थी तो भूल जाते और अपने आप को फिर स्टैंड कर लेते, लेकिन नहीं। खैर, ऐसे टूटते रिश्तों को लेके बहुत ही सोच समझ की ज़रूरत होती है, और बस मैं यही कह के कि अपना वीडियो एंड करूँगी कि किसी भी शादीशुदा रिश्ते में प्यार के साथ साथ, भरोसे के साथ साथ ईमानदारी की बहुत ज़रूरत होती है। कोई व्यक्ति, कोई लड़का या कोई लड़की अगर आपसे शादी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपके लिए भूल जाएगी, अपने मदर फादर, भाई बहन या अपने रिश्तेदारों, या अपनी फ्रीडम और या अपनी लाइफ को वो भूल जाएगा। ना तो लड़का ऐसा कर सकता, ना लड़की ऐसी कर सकती। और जो भी ये अपेक्षाएँ एक दूसरे से पालते हैं कि बस अब तू मेरा ही होके रह जा, या तू मेरी ही होके रह जा और ये मत कर, वो यहाँ पर रिश्ते बिल्कुल भी कहना चाहिए कि ब्लॉसम, जिसको कहते हैं कि रिश्तों में एक खुशनुमा, एक पल्लवित, पुष्पित होने वाली जो बात होती है वो नहीं रह जाएगी। यहाँ कोई जादू नहीं होने वाला है कि आप रॉन्ग करते जाओगे और जादू होता जाएगा और आपका हस्बैंड और या आपकी वाइफ आपको कंटिन्यू प्यार करती जाएगी, ऐसा नहीं है। फैमिली को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये एक बात रह गई जो ज़्यादातर लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरी जो लड़कों के साथ अक्सर हो जाता है, आप अब जिम्मेदार पति और पिता हो, आपको अपनी वाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने आप के लिए ईमानदार रहना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं चाहते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। खैर, इसी तरीके के सोशल इश्यूज़ के साथ मैं आपके सामने आती रहती हूँ, आगे भी आती रहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर एंड कमेंट करते रहें, और
आप सोच रहे होंगे, आप में से जो लोग नहीं जानते कि मैं किसके बारे में बात कर रही थी, तो यू कैन गूगल इट। और प्लीज़ अपने अपने रिश्तों में ईमानदार रहें। धन्यवाद। थैंक यू।